एसएसपी कलानिधि नेथानी ने अलीगंज थाना क्षेत्र के कपूरथला चौराहे पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एसएसपी सुरक्षा को लेकर काफी नाराज दिखे, जिसके बाद उन्होंने अलीगंज थाने में तैनात थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया और थाना अध्यक्ष को पैदल ही अलीगंज थाने जाने के आदेश दिए। चेक किया गया तो ये पाया गया कि 3 दरोगा यहाँ पर गैर हाजिर हैं, जिनको संभवतः सूचित भी नहीं किया गया थाना अध्यक्ष द्वारा, लापरवाही की गई है। ये इनका थाने पर जो है गैर हाजिरी लिखवाने के लिए कहा गया, और जैसे भी और लापरवाहियाँ पाई गई हैं और शिथिलता पाई जा रही है रात्रि गश्त में, इसके दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर को आदेशों को गंभीरता से ना लेने के कारण और रात्रि गश्त प्रभावी ना करवाने तथा थाना अध्यक्षों की या एसआई की मौजूदगी समय से सुनिश्चित ना करने के लिए एसएचओ को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। यह भी देखने में आया है कि भले ही किसी की ड्यूटी दिन में हो या रात में हो, लेकिन जब कॉल किया जाता है किसी अधिकारी द्वारा तो वो इस स्थिति में रहें कि कम से कम 35 मिनट के अंदर या 45 मिनट जैसा कि अब हो चुका है उसके अंदर मौके पर पहुँच जाएँ। इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि ये यहाँ पर कहीं अन्यत्र ही हैं और ड्यूटी पर उपस्थित नहीं है, ना ही होने की मंशा है। इस पूरी शिथिलता थाना प्रबंधन में लापरवाही के चलते थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में राजधानी लखनऊ में कई वारदातें हुई हैं, जिसके चलते यूपी पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में एसएसपी का निरीक्षण सुरक्षा के लिए काफी अहम माना जा रहा है। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।